आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में आप देखेंगे पीजी सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2020, सब्जेक्ट हिस्ट्री, सीसी पेपर 7 का क्वेश्चन पेपर। सेशन है 2018 से 20। खैर ये एग्ज़ाम तो 2020 में ही कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, लेकिन कोरोना के कारण ये एग्ज़ाम लेट चल रहा है। ओके, तो इसके पहले हमने पीजी सेकंड सेमेस्टर के सीसी पेपर 5 और 6 का वीडियो अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये है सीसी पेपर 7th है। एक बात मैं और बता दूँ कि पीजी सेकंड सेमेस्टर में 5 सीसी पेपर पढ़ने हैं और एक एईसीसी पेपर, उसमें भी ये तय करना है कि किस ग्रुप में एईसीसी का कौन सा पार्ट पढ़ना है। ओके, मैं आपको आगे बताऊँगी, आप कन्फ्यूज ना हो। अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो CBCS पैटर्न पर आधारित न्यू सिलेबस जो है चैनल पे अपलोड है, आप उसे देख के समझ सकते हैं कि सीसी पेपर क्या होता है, एईसीसी क्या होता है, ईपीसी क्या होता है, ये सारी बातें उसमें बताई गई है। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। क्वेश्चन पेपर को 3 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए, बी और सी। ग्रुप ए में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा, यानी टोटल ये 10 मार्क्स का है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक जनों में किसने पहली बार बिहार में उपनिवेशन किया। देखिए इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि बिहार में पहली बार उपनिवेशन किसने किया था, तो इसमें तो विदेह लगाया है, लेकिन मेरे हिसाब से कौशल हो सकता है, कौशल देश। तो जो भी होगा कौशल देश मैं यहाँ टिक कर रही हूँ, लेकिन आप विदेह भी हो सकता है, कन्फ्यूजन है। आप यदि आप कन्फर्म हो जाते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नंद राजवंश की स्थापना किसने की। तो नंद राजवंश की स्थापना जो है महापद्म नंद ने की थी, ये नहीं हो सकता, यहाँ ये नागदशक लिखा हुआ है, गलत होगा, डी आंसर होगा, महापद्म नंद ने की थी नंदवंश की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 3, पाटलिपुत्र की स्थापना किस वर्ष हुई। तो पाटलिपुत्र की स्थापना 455 BC में हुई है। अब ऐसे कहा जाता है कि 490 के आसपास, 490 ईसा पूर्व के आसपास, तो ये है नहीं, तो उसका नियरेस्ट हुआ 455 BC, तो इसमें पाटलिपुत्र की स्थापना 455 BC के आसपास, और उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। इससे आप डेट मिला सकते हैं कि क्या हो सकता है, उदयन कब गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वर्ष हुई। तो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना जो है वो 8वीं शताब्दी में हुई है, तो यानी कि धर्मपाल ने किया है 8वीं शताब्दी, यानी 840 ईसा पूर्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5, नालंदा में किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी। तो ये संस्कृत में तो बिल्कुल नहीं होगा, नालंदा में किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी, तो पाली में दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में पहले मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। बिहार में पहले मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है ए, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को बिहार में मुस्लिम शासन का श्रेय दिया जाता है, तुर्कियों को। क्वेश्चन नंबर 7, तिरहुत में कर्नाट शासन की स्थापना किसने की। तिरहुत में कर्नाट शासन की स्थापना नानेदेव ने की थी, और इनके पुत्र गंगेदेव बहुत ही फेमस, कर्नाट वंश के सबसे फेमस शासक थे। क्वेश्चन नंबर 8, पुरुष परीक्षा पुस्तक के लेखक कौन है। पुरुष परीक्षा पुस्तक के लेखक हैं विद्यापति, इसमें इनकी कविताओं का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 10 में है,
पृथक राज्य के रूप में बिहार का निर्माण किस वर्ष हुआ, यानी कि पहले क्या था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक ही प्रांत में थे और ये बोला जाता था बंगाल, बंगाल का राज्य बोला जाता था, बंगाल राज्य, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल तो खैर बाद में इसका नामकरण हुआ, बंगाल बोला जाता, लेकिन ये बाद में 1912 ईस्वी में बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हो गया और वो बिहार प्रांत कहलाने लगा। तो ये डेट इसमें जो होगा वो होगा 1912 में, 1912 में बंगाल से बिहार उड़ीसा अलग हो गया और उड़ीसा बिहार में स्थित था और बिहार राज्य कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 10, चंपारण में आने के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो ये तो आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने, जो चंपारण सत्याग्रह के लिए उन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया और उनके आह्वान पर ही गांधी जी जब चंपारण आए, चंपारण की धरती मोतिहारी में, तब उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग अगर भारत में किया गांधी जी ने तो वो स्थल था चंपारण। ओके, तो इस तरह से ये रहा आपका ग्रुप ए का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर, और मैं जो सब में मैंने टिक किया है, तो यदि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका आंसर जो है डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा, या नोट करना हो, नोट्स तैयार करना हो तो उसमें आप उसे लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं ग्रुप बी, ग्रुप बी में जो है 4 क्वेश्चन का आंसर करना है, दिया रहेगा 5 क्वेश्चन जिनमें से 4 का आंसर करना है और पर क्वेश्चन से 6 मार्क्स कैरी करेगा, यानी टोटल 24 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर संक्षेप में दीजिए, तो 4 का ही उत्तर संक्षेप में करना है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, विक्रमशिला महाविहार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में सूफी मत के प्रसार पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 3, अस्थाई भूमि बंदोबस्ती का बिहार पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, पृथक बिहार राज्य के निर्माण में प्रेस की भूमिका को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, चंपारण सत्याग्रह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओके, तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन जिनमें से 4 का आंसर करना है आपको। अब हम देखते हैं ग्रुप सी, ग्रुप सी में आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। देख लेते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं पीजी सेकेंड सेमेस्टर में। तो पहला क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ विद्यापति टू इंटेलेक्चुअल एंड लिटरेरी फील्ड्स, बौद्धिक और साहित्यिक क्षेत्र में विद्यापति के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द रोल ऑफ वीर कुंवर सिंह इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 के महाविद्रोह में वीर कुंवर सिंह की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 4, सचिदानंद सिन्हा के जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ओके, तो इस तरह से 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको 3 का ही आंसर करना है। तो ये रहा सीसी पेपर 7। तो आपने ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा पीजी सेकंड सेमेस्टर सेशन 2018-20 का, तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और मैं आपसे कह भी रही हूँ कि यदि वीडियो आप देखते हैं तो एक लाइक तो बनता है, आप लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यदि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार नहीं मिल पा रहा है, तो यदि कहीं से भी आपको वीडियो मिलता है तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे हैं जो क्वेश्चन ये ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा, उन्हें भी शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यदि आप कुछ हासिल करते हैं उससे दो लोगों के बीच में करते हैं, इससे आपका कुछ घट नहीं जाएगा लेकिन ज्ञान की ही वृद्धि होती है। ओके, तो इसीलिए अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ओके, हम फिर मिलते हैं नए वीडियो जिसमें आप देखेंगे
हिस्ट्री सीसी पेपर 8 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तब तक के लिए धन्यवाद एंड गुड नाइट।